गाइस पानी ना नहीं आने के कारण देख सकते हैं पूरी सोयाबीन सूख चुकी है और हम किसान लोग भाई का कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं कुछ भी नहीं लगा इसमें, देख सकते कुछ नहीं लगा इसमें, कुछ भी नहीं देख सकते, देख सकते हो भाई कुछ भी नहीं लगा है सोयाबीनों में, सॉरी मर चुकी है पानी के कारण, पानी नहीं आने के कारण। तो गाइस मैं दूसरे खेत में आ चुका हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं आज घर से किसी ने पानी यहाँ पे दिया था खेत में, और किसान क्या ही करेगा भाई, कुछ समझ में नहीं आता। अभी सोयाबीन भी मरने पे जैसे हो गई है, और पानी भी कितना देंगे सोयाबीन में, देखो वो अपने साइड वाले खेत में भी देखो पावड़ी तगारी सब रखी हुई है, देख सकते हो गाइस सभी जन पानी दे रहे हैं, सभी जन सोच रहे हैं कि सोयाबीन थोड़ी बहुत बच जाए, क्या ही कर सकता है किसान, देख सकते हो पानी दिया है अभी तो थोड़ी अच्छी लग रही है सोयाबीन, पानी दे रहे हैं तो अच्छी लग रही है, पानी नहीं देंगे तो देख सकते हो ये पड़ा है पाइप, इससे इसके द्वारा पानी आता है, देख सकते हो। और मैं आपको क्या बताऊँ क्या कंडीशन है किसानों की यहाँ पे, चलो और आगे बताऊँगा, आगे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो भाई ये मेयर है खेत की दूसरे भाई की, और ये भाई देख सकते हो ये इन्होंने भी पानी चालू कर दिया, हमारे साइड वाले मेयर वालों ने भी, गाइस अभी अभी की कंडीशन में सारे किसानों ने पानी चालू कर दिया खेतों में, देख सकते हो ये पानी का वो है पानी निकलने का रास्ता, और सभी ने पानी चालू कर दिया है सोयाबीनों में, सोयाबीनों में अपनी अपनी फसलों में, देख सकते हो कितना अच्छा है, और पानी नहीं आया तो फिर मरी मर जाएगी सारी, क्या पैदा करेगा किसान। तो देख सकते हो भाई ये किसान भाई लोग पानी देते हैं रात को, और ये खटिया भी रखी हुई है खेत में अभी, और यहाँ रात को पानी देते हैं ये किसान भाई लोग, सोते हैं आराम करते थोड़ी देर, देख सकते हो भाई भारी ज़मीनों में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे काली मिट्टी है जिसमें जो खेत में उसमें सोयाबीन अच्छी पैदावार हुई है, और जो खड़े बैठे हैं उन्होंने तो सारी सोयाबीन मर चुकी है, सभी दम तोड़ दिया है, और देख सकते हो दराड़ देखो ज़मीन में कितनी कितनी आई है, ये तो कुछ भी नहीं भाई, उधर देखते तो बहुत ही खतरनाक दिखती है, इस साल तो मुश्किल है भाई सोयाबीन पैदावार में। तो भाई मैं एक दूसरे किसान के यहाँ पे खेत में आया था, और मैं देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये इसको कूड़ी बोलते हैं, और कुछ कुछ जगह पर भैंसा बोलते हैं, ये कितना पैदा हो गया है, किसान क्या ही करेगा, सोयाबीन इतनी इतनी सी है उनमें कुछ भी नहीं लगा है, क्या निंदवाएगा और क्या दुआएगा, समझ नहीं आती मुझे। कुछ चारे ने खेत डुबा दिया है, और कुछ सोयाबीन में वायरस आ गया है, और पानी ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पैदा होगा ये, मुझे नहीं लगता इस साल सोयाबीन ज़्यादा पैदा होगी, देखो किसानों ने इतना इतना नींदा हुआ था गुड़ू, और कोई काम में नहीं आया, घेरे के घेरे सूख रहे हैं गाइस, देख ही सकते हो बहुत ही कंडीशन ख़राब है खेतों में। धन्यवाद, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, देख ही सकते हो।